दोस्तों, कल हमने कड़ी के बारे में शुरुआत किया था। बहुत सारे बच्चों ने देखा, उनको अच्छा भी लगा। अच्छी बात है, आप लोग शेयर करिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें और बेहतरीन नॉलेज ले सकें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आगे चलेंगे और आज हम घातांकी रूल के बारे में पढ़ेंगे और कड़ी के नियम के बारे में कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 3 या 4 वीडियो इस पर आएंगे, इस लेक्चर पर, यानी कि इस इकाई नंबर 1 पर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इकाई शुरू करेंगे। तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए और साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए। हमने कल बहुत सारे नियम, कड़ी क्या होते हैं, हमने नेचुरल नंबर के बारे में आपको बताया था, होल नंबर के बारे में आपको बताया था, क्या होते हैं सारे आपने देखा होगा और उसे फॉलो भी किए होंगे, नोट्स भी प्रिपेयर किए होंगे। आज हम लोग घातांक के नियम से स्टार्ट करते हैं। घातांक के नियम क्या होते हैं? घातांक के नियम यानी कि घातांकीय नियम कुछ हैं जिनके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, घातांक के बहुत सारे नियम तो नहीं हैं, जो आप पिछले क्लास में पढ़े थे वही सारे रूल्स हैं, वही सारे फार्मूला हैं। तो सबको एक एक करके हम देखते हैं, आप लोग ध्यान से बने रहिए। सबसे पहला जो फार्मूला है दोस्तों, पहला जो फार्मूला है वो क्या है, देखिएगा, ए के पावर में एम इंटू ए के पावर में एन जब भी होता है, यानी कि जब बेस समान होता है और पावर अलग अलग होते हैं, तो हमेशा जो बेस होगा लिखने के बाद आप पावर को ऐड कर देंगे इस तरह। अब इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं, बहुत सारे इस पर। जैसे कि अगर हम बात करें, बेस मान लीजिए 2 है, पावर में m है, प्लस सॉरी इंटू 2 पावर में n है, तो बेस तो समान है, बेस तो दोनों का समान है, आधार ना। इसके बाद जो यह हमारा पावर दिख रहा है यह ऐड होगा, यानी कि 2 के पावर में m प्लस n हो जाएगा। अब यहाँ m और n की जगह कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, 2, 4, 6, 8, 10। अगर यह सारी संख्याएं आती हैं तो इस तरह हम ऐड कर लेंगे। जिन मान लीजिए यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 के पावर में 2 + 4 यानी कि 2 to the power 6। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 to the power 6 का राइट आंसर आप बता देंगे, 2 का 6 बार गुणा करना है सर, तो कर लीजिए, 2 × 4 × 8 × 16 × 32, 2 × 4 = 5, 1 आ गया 2, यानी कि 64। 2 to the power 6 का जो राइट आंसर हो जाने वाला दोस्तों, वह 64 हो जाएगा। तो इस तरह आप यह फार्मूला नोट करिए, इस पर कुछ फार्मूला है और सारे क्वेश्चन हम बताने वाले हैं आपको एक एक करके, नोट करिए इसे फटाफट दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन यानी कि दूसरे फार्मूले की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा फार्मूला बेहद आसान है, जैसे हमने पहले फार्मूले को देखा उसी तरह दूसरा भी है, देखिएगा, ए के पावर में एन और यहाँ पे अगर डिवाइड हो जाता है, ए के पावर में एम होता है, या इस तरह लिखा रहेगा, या फिर ए के पावर में एन अपॉन में ए के पावर में एम इस तरह लिखा रहेगा, या फिर इसको एक तरीके से और लिख सकता है आपको, ए के पावर में एम माइनस एन इस तरह लिखा रहेगा। तीनों का मतलब सेम होता है, एन माइनस एम होगा ना, एन माइनस एम, जो नीचे रहेगा वो माइनस में, अभी हमने इंटू था, जब तक इंटू था तब तक तो प्लस था, लेकिन ज्यों भागा आ गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे दोस्तों, क्योंकि यह हमारा घातांक का नियम कहता है। अब इसके अनुसार हम लिख सकते हैं एन माइनस एम, ठीक है, हमारा राइट आंसर यह हो गया। अब इसमें देख रहे हैं हम, यह तभी फॉलो होगा जब यह बेस समान होगा, ये चीज़ याद रखिएगा, बेस समान होने पर ही यह नियम फॉलो होने वाला है। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं, 5 to the power 2 / 5 to the power 3 है, तो इसको तो हम लिख देंगे 5 2 - 3 यानी कि 5 to the power -1। अब यहाँ पे -1 आया है ना, तो -1 को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, ये हमारा रूल कहता है। अगर यही चीज़ ऊपर होता 5 to the power 3 / 5 to the power 2, तो यह हो जाता 5 to the power 3 - 2 यानी कि 5 आपका राइट आंसर हो जाता। इस तरह हम लोग लगाते हैं, यह दूसरा नियम है, इसको नोट कर लीजिए। अभी हम क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे भैया, देखिए आप लोग जल्दी आइए, नहीं क्योंकि अभी हो सकता है बहुत सारे डिलेज हैं, आप सामने देख रहे हैं आप ना, थोड़ा सा कुछ महामारी वगैरह के कारण आपका पेपर वगैरह डिले हो रहा है, अब हो सकता है ना भी हो, सारी इन्फॉर्मेशन मैम ने आपको दी होंगी तो आप लोग देखे होंगे उनकी वीडियो। तीसरा फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भैया आप लोग नोट्स बनाते रहिए,
ए के पावर में एम टू द पावर में एन होता है जब। यह पावर के पावर वाली बात सर समझ में नहीं आया, क्यों नहीं समझ में आएगा, देखिए जब भी पावर के पावर होता है इसका दो तीन नियम होते हैं, और बता रहे हैं आपको दो नियम होते हैं। अगर ऐसा रहेगा या जो आपका ब्रैकेट है या क्लोज रहेगा तब तो आप क्या करोगे, पावर के पावर जो है उसका मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर मान लीजिए ए के पावर में दो के पावर में थ्री आ जाता है ऐसे, तो आप तो सिंपल सा करेंगे टू इंटू थ्री यानी कि टू ए के पावर में सिक्स, यह हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों अगर ए के पावर में एम के टू दी पावर में एन ऐसे होता है तब हम इसको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ब्रैकेट लगाया ही नहीं है। यह बता रहा है कि जो एम है पावर में ए के उसके भी पावर में एन है, यानी कि ऐसे लिखा गया है, तब मल्टीप्लाई नहीं होगा। समझ में आ रहा है, तब क्या होगा, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं ए के पावर में दो, अब दो के पावर में अगर ऐसे लिख दे तीन, तो पहले दो के पावर में तीन को सॉल्व करेंगे फिर ए के पावर वाला जो आएगा उसको सॉल्व करेंगे। जैसे दो के पावर में जो तीन है ना उसे हम क्या लिख देंगे, दो दूनी चार दूनी आठ, यानी ए के पावर में एट हो जाएगा। अब यह कंडीशन सही होगा, ठीक है, इस तरह इसको सॉल्व करेंगे और इसका राइट आंसर ए टू दी पावर एट हो जाने वाला है। और जब इस तरह आता है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यह यूज करेंगे, और यह घातांक का नियम है, और यह थोड़ा सा फसुआ नियम इसे बोल दीजिए कि फंसाने वाला है, थोड़ा सा बच्चे चकपका जाते हैं, जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं वह भी इसमें फंस जाते हैं। बहुत इजी प्रश्न है, हम ये नहीं करते आप लोग को नहीं आता है, आप लोग को आता है, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा समझ बना के अपना काम करते रहिए, और थोड़ा सा जब भी सॉल्व करें न्यूमेरिकल तब ध्यान देकर सॉल्व करें कि किस तरह पूछा जा रहा है, किस पे हमको देखना है, किस नज़र से इसको देखना है, नज़रिया बस आपका सही होना चाहिए। जब नज़रिया सही होगा तो आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। चलिए इसको अपना थोड़ा सा लिखिए, तब तक हम देख लेते हैं आपका वीडियो सही चल रहा है या फिर नहीं, है ना, एक मिनट। चलिए, क्योंकि कल कुछ कट गया था नीचे से तो प्रॉब्लम्स हो रहे थे आप लोग को, लेकिन आज हमने चेक कर रहे हैं बीच बीच में, तो जिससे दिक्कत नहीं होगा। चौथे फार्मूला की तरफ देखिएगा, जब आपका बेस मतलब जब इस तरह आते हैं इनटू करके बीच में पावर में एन होता है, ये चौथा है, लिख लीजिए भैया, सारे प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न हैं आपके, डायरेक्ट आ जाएंगे एग्जाम में आपके, तो आपको लगाना होगा, थोड़ा सा टेट लेवल तक के एग्जाम में भी आएंगे, तो आप लोग नोट्स प्रिपेयर करते चलें, और ये ना समझें टेट के लिए अलग से क्लास चलेगा तब पढ़ाई करेंगे, टेट का तब तैयारी करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका जो सिलेबस है उसी में से आने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब ए के पावर में एन रहेगा, बी के पावर में एन रहेगा, या फिर ए इंटू बी के पावर में एन रहेगा, तो बात सेम होगा सर, लेकिन यहाँ पे तो ए इंटू बी के पावर में एन लिखा है, तो आप क्यों बोल रहे हैं ए के पावर एन इंटू बी के पावर एन। बेटा इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ए के पावर एन इंटू बी के पावर में भी एन, यह होगा आपका समान, यह सही है, यह वाला भी सही होगा, यह वाला भी सही होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम है। अगर आपको यह दे देता है तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, अगर यह दे देता है तो आप इसको इस तरह बना सकते हो, अपने सुविधा अनुसार, जिस तरह आपको कटपिट होगा, जैसे कि जब आप सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल तो उसमें कटपिट तो होना ही है, क्योंकि घातांक का नियम है, घातांक में जितना ज़्यादा कटता है उतना ज़्यादा बढ़िया होता है ना, तो याद रखेंगे। चलिए, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे अभी, चौथा के बाद पांचवा नियम देख लेते हैं। पांचवा नियम देखिए क्या कहता है भैया, पांचवा है बहुत ही आसान, ए के पावर में मतलब ए अपॉन बी के पावर में एन, अब इस तरह अगर होता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करें, अभी हमने देखा था सर ए इंटू बी के पावर में एन था तो हम इसे लिखे थे ए के पावर में एन इंटू बी के पावर में एन। इसके पहले हमने सबसे पहला देखा था कि अगर a के पावर में n होता है इंटू a के पावर में m होता है तो इसे हम लिख देते थे a के पावर में m प्लस n, इस तरह लिख देते थे। और जब a अपान b यानी a के पावर में n b के पावर में m होता था तो हम इसे लिखते थे a के पावर में n माइनस m, यहाँ पे a लिख देते हैं a, ए के पावर में एन अपान में ए के पावर एम होता था तो ए के पावर में एन माइनस एम लिखते थे। लेकिन सर यहाँ पे तो बेस ही अलग अलग है, तो अभी हमने बताया जब बेस अलग अलग होता है तो इस तरह लिखते हैं इनटू वाले को, और जो भागा होता है जो डिवाइड होता है उसे हम कैसे लिख देते हैं ए के पावर में एन डिवाइड बाई बी के पावर में एन, यह तरीका होता है लिखने का।
अगर आपको इस तरीके से दिया रहता है तो आप इसको इस तरह लिखेंगे, जब यह तरीका दिया रहता है तो इस तरह लिखेंगे। और एक तरीके से दे अगर a के पावर में n अपान में b के पावर में n, तब भी बात ही एक ही है, तीनों का मतलब एक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट की तरफ। सब पे अभी न्यूमेरिकल करेंगे, आप घबराइए नहीं, बिल्कुल शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से हम लोग सीखेंगे। ठीक है भैया, और आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, बहुत ही फायदा होगा आप लोग को सारे क्वेश्चन वगैरह पूछने में। ग्रुप्स आके चलते हैं तो आप उसमें ऐड कर दिया जाएगा। चलिए, अगर हम बात करें भैया ए के पावर में लड्डू, यानी कि ए के पावर में जीरो, जब ए के पावर में लड्डू होता है तो लड्डू खाना नहीं है, यहाँ पे आपको वन लिख देना है। अगर आप जीरो लिख जाएंगे तो आपको एक लड्डू तो एग्जामिनर देगा ही, प्लस एक डिब्बा लड्डू हम दे देंगे। एक डिब्बे लड्डू में आप चाहे वो 10 किलो का हो, चाहे 4 किलो का, चाहे 5 किलो का, इतना बड़ा लड्डू आपको मिल जाएगा। सारे लड्डू मिला के आप बड़ा सा बनाकर खा जाइएगा भैया, लेकिन गलती अगर किए तब लड्डू मिलेगा, गलती नहीं किए तो एक अच्छा सा जॉब मिलेगा, नौकरी मिलेगी, अच्छा नंबर मिलेगा भैया, यह वाला नियम फॉलो करेंगे तो। अब आपका यह ऐसे भी दे सकता है, देखिए आपको फंसाने के लिए कैसे, 2 के पावर में 4 × 5 to the power 0। तो आप तो बोलेंगे सर ने बताया था जीरो होगा क्योंकि जीरो पावर में है। यह देखिए तो 2 के पावर में 4 × 5 के पावर 0 है ना, यहाँ पूरा के पावर जीरो थोड़े ऐसा पूरा, यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर में 4 × 1, यानी कि 2 के पावर में 4, यानी कि 2 × 4 × 8 × 16 यह हो जाएगा। लेकिन एक तरीका और दे सकता है, 2 के पावर में 4 × 5 to the power 0। अब बताइए क्या होगा, अब कौन बंदा बताएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, बताइए फटाफट, देख लेते हैं कितने लोग का आंसर आता है फटाफट मेरे साथियों, मेरे दोस्तों फटाफट। यह आपका यूपी टेट का भी क्वेश्चन है, इतना ध्यान में रख लीजिएगा, यूपी टेट, ठीक है, यूपी टेट का भी क्वेश्चन है भैया। तो 2 के पावर में 4, 5, 0, ये देख रहे हैं पावर पावर है। अब हमने आपको बताया था दो तरीका पावर का, 2 के पावर में 4 के पावर में 5 के पावर में 0, यह तरीका भी बताया था और यह तरीका भी आपके सामने है। तो आप दोनों का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है और इसका आंसर क्या होने वाला है, फटाफट मेरे मित्रों मेरे साथियों। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हम लोग अपना ग्रुप वगैरह में शेयर करते रहते हैं, तो आप लोग ग्रुप से जरूर जुड़िएगा, आप लोग के बहुत फायदा होगा, चाहे वो टेलीग्राम का ग्रुप हो चाहे व्हाट्सएप का ग्रुप हो, जुड़ना सबको है भैया। यहाँ बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। अब देखिए 4 के पावर 5 के पावर में 0 है, तो 5 के पावर में 0 पहले पकड़िए ना इसको, यह तो 1 हो गया, क्या हो गया 1 मतलब कि 1। अब यहाँ पे 2 के पावर में 4 बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व कर दिया, बहुत अच्छी बात है, 1 वही सारा कंडीशन सारा सब कुछ। अब यहाँ पे यहाँ पे 1 आएगा ना पावर में, तो 4 के पावर में 1 बचा, तो इसका राइट आंसर फिर से 16, लेकिन इसका ससुरा 1 आएगा क्योंकि ये पूरा के पावर में है ना, देख रहे हैं कि नहीं, पूरा के पावर में ना, मतलब इसका जितना आंसर आएगा चाहे जितना आए उसके पावर में 0 का मतलब 1, चाहे आपको दे दे 2 के पावर में 100 के पावर में 500 के पावर में 0, आपको फंसाने के लिए देगा तो आप लोग पहले अंदर से सॉल्व करना शुरू करेंगे, फिर 0 को देखेंगे तो कहेंगे अरे यार आप तो टाइम वेस्ट कर दिए, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, लेकिन ससुरा आ नहीं रहा है। तो एक बच्चा रहेगा तेज, वो क्या करेगा, एक नंबर का है, एक नंबर लिखेगा, एक का आंसर सही करेगा और एक नंबर ले जाएगा और अच्छा खासा यूपी टेट में, सीटेट में, सुपर टेट में नंबर गेन करेगा, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा दिमाग से, ध्यान से, अच्छे से काम करते रहिए भैया। चलिए अब हम लोग कुछ कर्णी के नियम को देख लेते हैं, यह तो रहा आपका घातांक का नियम, अब कर्णी का नियम क्या है, कर्णी का नियम क्या है सर, तो देखिए कर्णी का नियम क्या है बेटा, कर्णी का नियम यह है, पहला कर्णी का नियम यह कहता है, जब विकल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, के पावर में ए मान लीजिए यहाँ पर है, के पावर में एन होता है, अगर केवल सिंपल सा यह लिख दे इतना, तो इसको हमने देखा था ए के पावर में 1/n हो जाएगा, चाहे वो वर्गमूल हो, चाहे घनमूल हो, चाहे चतुर्थ मूल हो, चाहे nवा मूल हो, तो nवा मूल तो है ही, तो nवा मूल है तो इसका आंसर ये तो यह हो गया सर, हम कहेंगे हाँ बेटा, लेकिन अब इसका आंसर क्या होगा सर, यह तो सिंपल सा इसका है ना, अरे इसके ऊपर तो पावर में n है ना, तो हम लोग क्या कर देंगे, ए के पावर में 1/n, तो अंदर वाला आ गया और बाहर वाला इंटू n, n से n कैंसिल, आंसर आ गया 1 के पावर, मतलब ए के पावर में 1, यानी कि ए राइट आंसर हो गया। ठीक है मेरे खिलाड़ियों, चलिए
देखिए भैया हम इरेज करते हैं तो आप साथ साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस किया करिए, और आप लोग थोड़ा सा वीडियो आपके पास ही रहने वाला है, कहीं भागने वाला नहीं है, तो आप लोग दो तीन बार देख सकते हैं उसे। नेक्स्ट देखिएगा, अब अगर इस तरह रहता है मेरे साथियों a इंटू बी के पावर में m, तो इसे कितने तरीकों से लिख सकते हैं, आपको एग्जामिनर कितने तरीकों से पूछ सकता है कि बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए बी सी डी क्या सही है। तो जो बच्चा पढ़ा रहेगा फट से मारेगा आंसर, एक नंबर ले जाएगा फटाक से। लेकिन इसमें देखिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, यह तो रहा मेरा सिंपल सा फंडा यह लिखने का। बेटा देखिए आपको अगर यह फॉर्मूला देता है इस तरह से, आपको डिराइव करके देता है, तो आप यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, जैसे आपको क्वेश्चन में कट पिट करना हो उस तरह लिख सकते हैं। यह इसका नियम है, यह इसका नियम है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे आएगा। अगर आपका यहाँ पे दो है तो आपको दे देगा 4 × 9 का वैल्यू बताइए, 4 भी अलग है 9 भी अलग है, तो जो तेज बच्चा रहेगा इसे थोड़े करने जाएगा, वो क्या करेगा, दो का दो एक पेयर बन रहा है, 3 का एक पेयर बन रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल निकालना है हमें ना, तो वर्ग का मतलब दो दो का पेयर, घनमूल का मतलब 3-3 का पेयर, चतुर्थमूल का मतलब 4-4 का पेयर, पांचवें मूल का मतलब 5-5 का पेयर, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आपको इस तरह नहीं करने जाना है, बेवकूफ़ी नहीं करनी है वहाँ पे, जहाँ पे आपको सुविधा लगे कि सर ने बताया था पहले इस तरह करेंगे फिर आंसर लिखेंगे, अरे बक आपको क्या करना है, सिंपल सा 2 लिखना है 3 लिखना है, 3×6 आंसर देना है, समझ में आया कि नहीं आया। यह तो यूपी टेट में, सी टेट में, सुपर टेट में, इस सब में आप करेंगे बेटा, लेकिन आपको DLED में जब करना होगा तो आप ऐसे करेंगे, नहीं तो एग्जामिनर करेगा, आप सोचेंगे एग्जामिनर ऐसे करने वाला है, यह लिख देंगे तो आपके DLED में, तो लेकिन एग्जामिनर कर देगा ऐसे, रहेगा एक नंबर का दे देगा 1/2 नंबर, क्योंकि आंसर तो सही लिखे रहेंगे, कहीं से भी हो सकता है चीटिंग करके लिखे हो, समझ रहे कि नहीं। तो भैया ध्यान से करना है, हर जगह सबकी वैल्यू अलग अलग है, मतलब कि आप DLED में थोड़ा सा एलिब्रेट करके लिखेंगे, जिससे कि स्टेप मार्किंग आपको अच्छे से नंबर दे सके हो देख कर, है ना, आप चैलेंज भी कर सकें स्कूटनी के फॉर्म वगैरह डालने में कि हाँ मेरा तो सही था, हमने कैसे, हमने तो प्रकाश सर से पढ़ा था, सही पढ़ा था, कैसे आप गलत कर दिए, है ना, तो बैठा के कॉपी भी अच्छे से चेक करवा सकते हैं। लेकिन भैया अपने तरफ से बेवकूफ़ी करेंगे तो फिर वही दिक्कत आने वाली है, तब तो कोई नहीं साथ देगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, अगर आपको दिखता है भैया ए की पावर में बी, सॉरी क्या निकल जाता है, a अपान b रूट में है, यहाँ पे n रहता है, तो बस सिंपल सा उसी तरह इसका भी फंडा है भैया, a n और b n करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बेस तो अलग अलग है ना, तो क्या सर इसी तरह रहने वाला है, हाँ बेटा यह इसी तरह रहेगा, इसको सिंपल सा हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसको जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है नंबर कोई सेम हो, 9 हो 4 हो, तो 2/3 आ जाएगा, तो इस तरह हो सकता है आपका वहाँ पे सॉल्व हो जाए इजिली, और यहाँ तक कि 100 में अगर बोले 98% चांसेस होते हैं तो आपको पॉइंट में नंबर तो नहीं मिलेगा, पॉइंट में इसका आंसर नहीं आएगा 98%, और जो 2% होते हैं वही हार्ड या फिर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बनाते हैं, और आपके एग्जाम में वही बच्चा वो क्वेश्चन कर पाता है जो अच्छे से समझ बना के किया रहता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे समझ के करते रहिए और मार्क्स तो मिलने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए और भैया और कुछ नियम देख लेते हैं, जैसे कि अगर बात करें हम यहाँ पे n a के पावर में m रहता, अभी तक तो n था तो बात चल जा रही थी भैया, n n कट जा रहा था, a आ जा रहा था, लेकिन सर अगर चेंज आ गया तब कुछ, तो हम कहेंगे भैया उसी तरह करना है, कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हर बच्चा फोड़ के आएगा, फोड़ के तोड़ के मरोड़ के हर बच्चा आएगा, तो m अपान n इसका राइट आंसर हो जाने वाला है ना, a के पावर में m अपान n। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं अनेकों टाइप के आपको बताएंगे, आप लोग लिखते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट, देखिएगा नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे भैया, अगर आपका ऐसे आ जाता है थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा हार्ड लेवल भी पढ़ना जरूरी होता है, अगर m होता है इसके रूट के अंदर n दे देता है, यहाँ पे a दे दे, तब आप कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है भैया, पहले अंदरवा वाले को मारिए, जब अंदरवा वाले को मारेंगे तो 1/n आएगा, 1/n आएगा ना, अब 1/n को मल्टीप्लाई 1/m में कर दीजिए, अब कहेंगे 1/n × 1/m कहाँ गया, अरे मान लीजिए ये कोई नंबर है भैया, या कोई नंबर है तो इसके पावर 1/m आएगा, इस पूरे के पावर 1/m आएगा, मतलब कि a के पावर में, एक मिनट, a के पावर में 1/n के पावर में 1/m आएगा। अब ये कैसा फॉर्मूला बना, पावर के पावर वाला गुणा वाला, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं,
बात क्लियर है, तो लिख दिया हमने इस तरह, समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? देखिए आप लोग मेरे पसीने का कर्ज चुकाइए। भैया देखिए हम आप लोग को सिखा रहे हैं तो आप लोग जरूर से जरूर अपना साथ बनाए रखिए और मैसेज वगैरह जरूर करिए, कमेंट बॉक्स हो या फिर व्हाट्सअप हो या फिर आपका टेलीग्राम से जुड़ना सबको है, व्हाट्सअप से भी सभी लोग जुड़ेंगे भैया। देखिए और एक बात ध्यान से देखिए आप लोग, भैया आपको हम क्वेश्चन यहाँ एक अच्छा और बता देते हैं फॉर्मूला, ध्यान से देखिए। अगर तीन कर लिया जाता है, तीन रूट रहता है, तब कैसे करेंगे सर? पावर में ए, पावर में एम, मतलब कि एन, और यहाँ पे मान लीजिए आपका के कोई वैल्यू है, तो बस वही चीज अब देखते ही फोड़ना है आपको। मान लीजिए यूपी टेट में एक क्वेश्चन आ गया तो आप सिंपल सा करेंगे ऐसे, बस इसका राइट आंसर इस तरह लिखेंगे और आपको यूपी टेट में जो ऑप्शन रहेगा इस तरह कुछ रहेगा, ए एम एन इसके पावर में ऐसे कोई ऑप्शन रहेगा तो आप टिक कर देंगे इस तरह। अब हो सकता है के प्लेस पे, ए एम एन के प्लेस पे कोई नंबर हो, कोई वैल्यू हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए बोल दे, ठीक है ना? तो इस तरह आप क्लियर करेंगे इसका कंफ्यूजन। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? बताइए एक बार हाँ या ना में सारे बच्चे लिखिए, तो उसके बाद हम देखते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्या तीन चार क्वेश्चन करते हैं आराम से। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, 234 जो 234 एक मिनट 234 है ना, दो तीन एक मिनट भैया, तीन एक नौ, नौ तीन सत्ताईस, सत्ताईस तीन इक्यासी, इक्यासी इक्यासी तीन यानी कि थी 24, एक मिनट भैया, या 243 कर लीजिए आप लोग। चलिए अगर इस तरह कोई आ जाए आपके लिए एक क्वेश्चन तो आप इसको सॉल्व करिए। देख रहे हैं ये किसका पावर है? अगर आप पढ़े होंगे तो फटाक से बता देंगे सर ये 3 के पावर 5 है, 3 × 3 × 3 × 3 × 3। आप बोलेंगे सर आप कैसे जान गए? भैया प्रैक्टिस प्रैक्टिस किए हैं, जैसे जान गए तो आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे जान जाएंगे। 3 के पावर मतलब कि इसके पावर 3/5। अब यहाँ पे देख रहे हैं 3 to the power 5 × 3/5, 5 5 से गया तो आ गया 3 के पावर 3, 3 × 3 = 9 = 27 इसका राइट आंसर। कोई फास्ट नहीं किए हैं हम तो पहले से आपको बता चुके हैं ना, तो आप कोई बच्चा नहीं बोलेगा सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे। अरे फास्ट नहीं पढ़ा रहे भैया, आपके थोड़ी सी हैबिचुअल बना रहे हैं आपको, तो आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को और 27 राइट आंसर लाइए। और इस तरह के क्वेश्चन आप ढूंढ ढूंढ के कर डालिए, जहाँ मिल रहा है एक टाइप है तो आप उस पर 10 टाइप मतलब कि 10 क्वेश्चन लगाएं एक टाइप पे, तब आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा, आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। अगर आप 10-5 दिन पढ़ाई भी ना करें ना, एक दिन अच्छे से पढ़ाई कर लें 10-5 दिन का लेकर, तो आप बहुत अच्छे से अपना सर्वाइव कर पाएंगे। देखिए इसका राइट आंसर बताइए, √2 4 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4 6। इसको आप लोग को लिखना है आरोही क्रम में, आरोही आरोही मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में। तो इसका राइट सिंपल सा तरीका आप ऐसे करेंगे, इसको 1/2 लिख सकते हैं, इसको 4 के पावर 1/3 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 6 के पावर 1/4 लिख सकते हैं। अब ये जो 4 3 2 है ना, इसका एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, क्या आएगा 12 आएगा, जब 12 आएगा तो 2 × 6 = 12 यानी कि 6 आ गया इसके पावर में, 4 यानी 3 × 4 = 12, 4 के पावर 3 आ गया भैया, बस 4 से 12 को काटेंगे, 4 × 3 = 12, एक मिनट 3 × 12 है ना, यहाँ पे 4 आने वाला है और यहाँ पे 4 × 3 = 12 यानी कि 6 के पावर 3 आ गया, बात क्लियर है? अब बताना है कौन सा सबसे छोटा है, छोटे से बड़े क्रम में ले जाना है। तो देखिए 2 के पावर 6 है तो इसका आंसर तो 64 होने वाला है, 4 × 16 16 × 64 और 64 × 4 4 × 16 = 6 में 1 × 4 = 24 25 256 इसका राइट आंसर भैया 256 होगा, 6 × 6 = 36 6 का क्यूब अगर आपसे पूछा जाए तो 216 बता देंगे, ठीक है ना? तो आप देखेंगे सबसे बड़ा तो आपका यह है, यानी कि इसके स्थान पर हमें क्या लिखना है, यह वाला सबसे बड़ा यह है, यानी कि 3 मतलब कि जो घात में है घनमूल में है आपका यह सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा यह है मतलब कि यह वाला आपका क्या हो जाएगा 6, उसके बाद कौन है भैया, यह वाला है सबसे छोटा तो लिख देंगे √2, तो आपका यह क्रम हो जाएगा, ठीक है ना? इस क्रम में हम लोग लिखते हैं, आप देख सकते हैं क्रम अपना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इस जिस जगह पे हम पढ़ा रहे हैं ना यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, अपार गर्मी होती है भैया, लेकिन क्या है आप लोग के लिए पढ़ाना पड़ता है, आप लोग एक हैं क्या भैया पढ़ते नहीं हैं, पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे तो बात हमें नहीं दे देंगे आप लोग, ठीक है ना? पढ़िए भैया, ठीक 3 के पावर में
फाइव इंटू नाइन के पावर में टू अगर इस तरह रहता है तो इसका आंसर बताइए फटाफट आप लोग। एक मिनट इसको पूरा कर देते हैं, एक इसको थोड़ा सा लेंदी कर देते हैं फॉर्मूले को, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए भैया। इसको हम थ्री के पावर में एन इंटू थ्री ऐसे लिख देते हैं, ये थ्री है, ये क्यूब रूट है, यहाँ पे छोटा वाला थ्री है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नहीं 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 बेटा, ये ऐसे है, यहाँ ऐसे थ्री इंटू रूट थ्री है। यह बताइए इसमें एन की वैल्यू बतानी है आपको, जो यह एन है ना इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए रूट थ्री यहाँ पे है, यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, यह रूट थ्री है, रूट थ्री के पावर फाइव है, इसको लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री के पावर में टू। क्लियर है? अब देखिए एक दो तीन चार, तीन 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 थ्री का नौ, नौ के पावर दो, सेम है कि नहीं है। अब देखिए रूट थ्री एक यहाँ पे है और यहाँ पे चार ठो रूट थ्री है, तो चार दूना आठ, आठ और पाँच, आठ दो दस तीन तेरह, रूट थ्री के पावर में तेरह आ गया यहाँ पे। और इस साइड वाला देखिए थ्री, यहाँ पे दो रूट थ्री है, यहाँ पे एक रूट थ्री है, यहाँ पे भी दो रूट थ्री है, तो हम लिख सकते हैं रूट थ्री के पावर में टू इंटू एन इंटू रूट थ्री के पावर में थ्री। अब यहाँ पे देखिए रूट थ्री के पावर में तेरह एक तरफ है और दूसरी तरफ है क्या रूट थ्री के पावर में, यह दोनों ऐड कर दीजिए टू एन प्लस थ्री। अब जब यहाँ पे बेस इक्वल है दोनों तरफ तो पावर बराबर हो जाते हैं, तो थ्री इक्वल टू टू एन प्लस थ्री। अब यहाँ पे टू एन है, इसको इधर करिए तो टू एन इक्वल टू दस, एन इक्वल टू पाँच, आपका राइट आंसर पाँच हो जाएगा भैया। ठीक है, इस तरह को सॉल्व करते हैं, आपको एक आंसर देते हैं मतलब क्वेश्चन देते हैं, उसको सॉल्व करके जरूर बताएंगे। देखिए टू के पावर में एन प्लस टू के पावर में एन माइनस वन अपान में टू के पावर में एन प्लस वन माइनस टू के पावर में एन, इसका राइट आंसर आप बता देंगे कमेंट बॉक्स में। और बत्तीस अपान में दो सौ तिरालीस के पावर में चार बटे पाँच, इसका भी आंसर बताएंगे, पहला दूसरा, इन दोनों का आंसर फटाफट आप लोग करिए। और आज के लिए सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर।